हेलो फ्रेंड, मैं अनिल। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि सभी कैंडिडेट टेक्नीशियन के पैनिक मूड में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ, उन लोगों का जो इंडेंट आया है, डिमांड आया है, वो एएलपी की तरह नहीं है। जितना एएलपी का हुआ है उससे कम टेक्नीशियन का, उसके समझे तो मतलब उसका आपका 2/3 भी ना हो, लगभग 2/3 के आसपास भी ना हो हो ये तो मैंने डाटा पूरा नहीं बता सकता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 1900 के आसपास या 2100 के आसपास टेक्नीशियन का क्लियर करेंगे ये लोग। सर, तो सर मैं सभी आरआरबी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी चेयरमैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर, जिस तरह आपने एएलपी का वेटिंग सर जिस तरह से क्लियर किया गया है, उसी तरह सर टेक्नीशियन का भी किया जाए सर। और बस फ़र्क सर ये है कि एएलपी वाले ने साइको पास किया और टेक्नीशियन वाले ने साइको फेल किया, और अंतर बस इतना ही का है। बाकी सारा प्रोसेस जो एएलपी वाले ने किए हैं, सारा प्रोसेस वही टेक्नीशियन वाले लोग ने भी किए हैं सर। सभी लड़के अपने अपने बोर्ड में जा रहे हैं सर, सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं सर, क्योंकि आपसे मिल पाएँ, आपसे बात कर पाएँ। सभी पैनिक मूड में हैं सर। सर आपसे ही उम्मीद है, प्लीज़ सर सभी के बारे में सोचा जाए। जिस तरह के आप लोगों ने टेक्नीशियन के बारे में इस तरह का न्यूज़ दिया जा रहा है, मिल रहा है कि हाँ, लड़कों लोग का वेटिंग क्लियर नहीं होगा टेक्नीशियन का, सभी लड़के पैनिक मूड में हैं सर। तो इस तरह से ना किया गया, जिस तरह आप लोगों ने एएलपी का अच्छा खासा वेटिंग सर आप लोगों ने क्लियर किया, उसी तरह से टेक्नीशियन का भी किया जाए सर। बस आपसे यही उम्मीद है, इतनी प्रार्थना है। नमस्कार सर।